तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं कोविड का सेकेंड डोज लेने, और मुझे सेकेंड डोज लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं यहाँ से अब महाराष्ट्र जाने वाली हूँ सोलापुर में। और ये रहा हमारा आधार कार्ड देन, और अपने गांव में है आज तो पूरा मेरा गांव ही घूम गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पहले बताया मैंने कि मैं गई थी कोविड का वैक्सीन लेने, और मैं जहाँ गई थी वहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने लेट कर दी थी, इस वजह से वैक्सीन नहीं मिल पाया। और अब हम जा रहे हैं ब्लॉक, और यहाँ पे ब्लॉक पे जाके हम लोग वैक्सीन लेंगे, देन उसके बाद फिर रिपोर्ट बनेगा। उसके बाद मैं परसों फ्लाइट लेने वाली हूँ पटना से हैदराबाद के लिए, और मैं यहाँ अपने घर के पास तुमने कब लिया था कोविड का वैक्सीन? फर्स्ट डोज मैं ली थी सितंबर में, मेरा दिसंबर में हो चुका है फाइनल, इसका तो नवंबर में, दिसंबर में लास्ट डेट है। तो जल्दी से वैक्सीन लेते हैं और चलते हैं। और ये मैडम, हाय, से हाय, मॉर्निंग बोलो। एक्सप्रेशन दे रही हो, बोलो। हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, बोलो वेलकम। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग वैक्सीन लेने आए थे, और मेरा वैक्सीन का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैंने अभी वैक्सीन नहीं लिया सेकेंड डोज। 2-3 दिन में टाइम पूरा हो जाएगा, देन मैं सोलापुर में जाके ले लूँगी। और अभी मेरे रिपोर्ट, जिसकी वजह से मैं यहाँ से एयरपोर्ट जा सकती हूँ, और एयरपोर्ट पे चेकिंग होगी, तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा सा है, एक आदमी
उम्र लगभग 22। नाम प्रागर। सुबह में कितना टाइम है? 10:45 से फ्लाइट पर, एयरपोर्ट पे हम 8 बजे चल गए। 10:45 में फ्लाइट पर, 8 बजे हम सुबह पहुंच जाए एयरपोर्ट पे। परसों सुबह में मैसेज आ जाए। हाँ अरे ना तो कैसे तो बनवाएगा ना, उल्टा पुल्टा बना के ले तो गाइज़ जो मेरा सेकंड वैक्सीन था, डोज था, वो तो नहीं लगा और मैं रिपोर्ट बनवाई हूँ, बनवा रही हूँ। और उसका टाइमिंग जो है मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे रिसीव हो गई, यानी कि परसों रिसीव होने वाली है। और परसों मुझे एयरपोर्ट पे जाना है और पता नहीं चल रहा है मैं कैसे करूँगी, कब आएगा वो रिपोर्ट और कैसे होगा। कितना बजे? 8-9 बजे हम एयरपोर्ट पर दिखा के कहा जाए। तो गाइस वो जो मेरा जो टेस्ट हुआ है का, वो कल परसों के बाद आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। और अभी हम घर जाने वाले हैं, तो चलते हैं घर। तो गाइस अब हम घर पे आ चुके थे और मैं यहाँ डुगू को खाना खिला रही थी। और खाना खिलाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है और सुबह से मैं इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। और घर पे आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जाने का तैयारी करेंगे, कपड़े वगैरह पैकिंग करेंगे। और उसके बाद मेरा जो परसों से शेड्यूल स्टार्ट होगा वो काफ़ी हेक्टिक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में बहुत परेशानी होती है और साथ में बच्चे को ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अभी सालवी को अच्छे से खाना खिला देती हूँ, देन उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो हेलो गाइस, शाम के 7:10 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्विक अपडेट देने वाली हूँ। और सुबह में मैं गई थी आंगनबाड़ी में और वहाँ पे मैं अपना कोविड वैक्सीन लेने वाली थी सेकेंड डोज, लेकिन मेरा सेकेंड डोज का अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो इस वजह से मुझे सेकेंड डोज नहीं मिला। लेकिन मैं जब आंगनबाड़ी में गई थी तो वहाँ पे जो एनएम आई थी वो चली गई थी। देन मुझे जो हॉस्पिटल है यहाँ का वहाँ पे जाना पड़ा, और वहाँ पे भी जाने के बाद पता चला कि मेरा जो कंप्लीट डेट है वो डेट अभी बाकी है। और ये बात मुझे पहले ही पता थी, मैं जब वैक्सीनेशन बुक कराई थी फर्स्ट डोज की, उसके साथ से भी मुझे बोला था कि ड्यू डेट है, अभी टाइम है। बट मैंने सोचा कि क्या पता उससे पहले भी मिल जाए तो अच्छी बात होगी। और यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाली हूँ हैदराबाद के लिए, और एयरपोर्ट पर ये सारी चीज़ें देखते हैं। वैक्सीनेशन आपकी कम्प्लीट होनी चाहिए, पूरा डोज लेना होता है, तो ये सारी बातें हैं। और RT-PCR रिपोर्ट बनवाना था तो वो भी बन चुका है, और उसकी जो मेन रिपोर्ट है वो मुझे उसी मॉर्निंग आने वाली है जिस मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट है 10:45 में। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे हॉट वाटर बैग लेके बैठी हुई हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा ही पानी गर्म कर चुकी हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, देन उसके बाद इसका क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स मेरा इस साइड से नेक में बहुत ज़्यादा मोच आ चुका है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस लड़की हूँ
और मैं अपने आपको पूरे अच्छे से ध्यान भी नहीं देती। मैंने क्या किया था, कल संडे था और कल मैं दिन में नैप ली थी और उसमें क्या हुआ था कि दो तकिए को लेके फोल्ड करके सोई थी और सोने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा, नींद बहुत ही अच्छी आई, अच्छा सा फ्रेशनेस था। और जैसे ही मैं नेक्स्ट आज मॉर्निंग में जगी हूँ तब से मेरा ये नेक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये कल शाम का दर्द है तो अभी से ये सुबह से शाम तक रात होने वाला और अभी तक ये वाली चीज़ें दर्द हो रही है और मैं ऐसे सिंपल ऐसे भी नहीं देख सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। और यहाँ पे पारुषी की रोने की आवाज़ आ रही होगी आपको। हाँ जी, यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है, इनका आज फास्ट है। Next morning. Hey guys, तो सुबह हो चुकी है और सुबह के 7:50 हो रहे हैं और मेरा आज इस घर में आखिरी दिन है इस साल का, क्योंकि मैं कल जाने वाली हूँ अपने सोलापुर। और क्या क्या चीज़ें आज होने वाली है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं सुबह में 5 बजे जग चुकी थी एंड यहाँ पे शालवी की बैग मैं रेडी कर चुकी हूँ, जो मैं उसको ले जाने वाली हूँ। उसके जो कपड़े होंगे सारी चीज़ें पैक हो चुकी है और थोड़े बहुत उसके कपड़े हैं जो मैंने डाले हुए धोने के लिए और वो हैंड वॉश करना है मुझे, तो वो हैंड वॉश होंगे एंड देन उसके बाद मैं नहाऊंगी और बाल वाल धोना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑयल वगैरह लगाई हूँ, बाल बहुत ही ज़्यादा मेरे थिन हो चुके हैं, एकदम प्रोटीन नहीं है इसमें, तो मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उससे अपने बालों को ट्रीट कर रही हूँ। और अभी ऑयलिंग फिर से करनी है क्योंकि ये ऑयल मैंने 2 दिन पहले लगाया है एंड आज मैं 2 दिन के बाद हेयर वॉश कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे आज ऑयल करना है। और क्या क्या चीज़ें हैं आपको इसके बाहर का मौसम देखिए कितना ठंडा है। पापा पापा हाय बोला, हाय बोला, तो गाइस यहाँ पे पापा और नातनी दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं चलती हूँ नीचे और काम करने खत्म करती हूँ। सालवी सॉक्स पहनो। फ्रेंड्स, मैंने बाल में तेल लगा लिया है और अब मैं 1 घंटे के अंदर नहा लूँगी। अभी चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं क्या कर रही हैं। और शालवी नाना के साथ जा चुकी है बाहर घूमने के लिए और सही है। मम्मी बाय बाय, खुश होना, कल जाना है ना, खुश होना एकदम ना, बहुत तक रात में सोने नहीं दी। तो ही गए, शाम के 5:15 हो चुका है और आज दिन भर मैं थोड़ा बहुत काम किया एंड उसके बाद आराम किया हूँ क्योंकि रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं 5 बजे से जगी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़रूरी है अपना नींद पूरा करना। और मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। मेरी पैकिंग अभी नहीं हुई है, सालवी की पैकिंग डन है, उसका एक बैग मैंने रेडी कर लिया है और उसके बाद मैं अपना बैग रेडी करूँगी, देन उसका हम लोग जाके मेजरमेंट करेंगे, उसका वेट करेंगे कि कितना हुआ है, मेजरमेंट वो नहीं वेट करेंगे कि इतना वेट है एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कितने सामान यहाँ छोड़ सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कपड़े का पहाड़ बना हुआ है और मेरा ये सारा ब्लाउज वगैरह मैं सिलने को दी थी, स्टिच करके आया टेलर के पास से, टेलर के पास से ये सारी ब्लाउजेज आई हैं, तो ये सारी चीजें मुझे रेडी करनी है, पैकिंग करनी है। और हेयर को मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्ट्रेट कर लूँ क्योंकि ये थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छी शाइनिंग है, वॉल्यूम भी है, बट थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूंगी तो मैनेजेबल रहेंगे हेयर, तो वो सारी चीजें हैं। और अभी लाइट नहीं है और बाहर में हम लोग तुरंत नाश्ता किए हैं और नाश्ता करने के बाद चाय पी रहे हैं,
यहाँ पे भाभी अपना चाय छान रही है सबके लिए, और इधर इधर शाल्वी का बैग खुला हुआ है, मम्मा बैठी हुई है, बाबू को चुप करा रही है दीदी। हाय पुरु। तो ये सारी चीजें हैं और मैं अभी चलती हूँ, थोड़ा पैकिंग कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्या चीजें कैसे करने वाली। तो गाइस ये यहाँ मेरा दोनों बैग रेडी हो चुका है, और यही वाले बड़े वाला बैग मेरा है और ये शाल्वी का है, और ये भी मुझे इसका वेट कराना है। वेट कराने के बाद देखते हैं कितना इसका वेट हो रहा है, क्योंकि मुझे जितना अलाउंस है उसके अंदर लिमिट में है, उतने लिमिट में मुझे अपने बैगेज को रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये वाला जो बैग है मैं केबिन में ले जा सकती हूँ, बट नॉट श्योर, और अभी मैं थोड़ा सा देखती हूँ। वेट कल निकलना है, और यहाँ पे मैं जो भी बैग है वो भी सारा रेडी हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है, और मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मेरा जो बैगेज है थोड़ा हैवी लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा। और अभी मैं एक भैया से वेट मशीन मंगाई हूँ जो कि शॉप पे रहता है, वो वेट करने के बाद अगर थोड़ा सा भी बैग मुझे कम करना पड़े तो मैं कम करूंगी। और उसके बाद मुझे अभी प्रिंट आउट निकलवाना है, जो भी वेब चेक इन एंड उसके बाद जो बैग के स्टिकर लगते हैं वो स्टिकर वगैरह सारे चीज़ें निकालने हैं, प्रिंट आउट करना है, तो वो घर पे हो जाएगा, भाई के पास प्रिंटर मशीन है। और ये सारी चीज़ें अभी रखनी बाकी है जो मेरा एसेंशियल है, लाइक बैग में पर्स में जो जाता है, और कुछ कुछ खाने की चीज़ें मम्मी ने मंगाए हैं शादी के लिए, मैं भी दिखाती हूँ। तो इतने सारी चीज़ें मम्मी मंगाई हैं उसके लिए, ताकि मेरा जो सफ़र है वो ज़्यादा हेक्टिक ना हो, साल भी मुझे परेशान ना करे, और मेरी जो रास्ते में खाने की चीज़ें हैं वो मेरी भाभी और दीदी दोनों मिलकर बना रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भाभी पीठा बना रही हैं, सब लोग मिलकर बना रहे हैं, और यहाँ पे चटनी बना चुकी है दीदी, चौथा बन चुका है, इसको पानी थोड़ा डाली, भूकर भूकर अभी आई है। तो गाइस अगर आपको पता नहीं है पीठा किसे कहते हैं, मैं बता देती हूँ, बिहार का फेमस डिश है, और इसे खाने के बाद आपको ज़्यादा मील की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका जो भी ट्रैवलिंग है बहुत अच्छी रहेगी, खाने का एक अलग मजा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी मैं दो काम करना बाकी है, मेरा जो मेरा बैगेज है उसका वेट कराना बाकी है, एंड सेकेंडली जो मेरी टिकट वगैरह हैं उनको मैं सॉफ्ट कॉपी लेना चाहती हूँ, ताकि मेरे मुझे ज़्यादा कोई झंझट ना हो, मेरे फ़ोन में अगर कोई बैटरी ना हो इन द सेंस, या फिर कोई भी चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें ना हैं। तो अभी मैं इस आटे को लगाती हूँ एंड पीठे का सेप बना के आपको दिखाती हूँ, और इस वीडियो को अब मैं थोड़े देर में एंड करूंगी। ये पीठा बन के रेडी हो चुका है, थोड़ा सा सेब बिगड़ चुका है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। यहाँ पर दीदी ने ठेकुआ बना रही है, और यहाँ पे वो ऑयल में डाली हुई है। तो ये आपको बता दूं, ये दोनों बिहार की फेमस चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं हमेशा जब भी ठंडी आती है, तो ये ठंडी में बहुत अच्छी लगेगी अगर आप नए चावल के आटे से बना रहे हैं, नए आलू डाल रहे हैं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेहूं के आटे में गुड़ को मिक्स करके उसको बनाया जाता है, गुड़ की चाशनी बन, मीठा और तीखा दोनों बन रहा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है हमेशा की तरह, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ एक फ्रेश न्यू व्लॉग शेयर करूँ, और वो व्लॉग कल से शुरू होगी, कल का ट्रैवलिंग व्लॉग, एंड आप लोग को जैसे कि पता है पटना से फ्लाइट है एंड हैदराबाद जाना है, तो सारी की व्लॉग आ जाएगी कल, कल तो नहीं आई, कल शूटिंग होगी एंड देन दो तीन दिन के बाद मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि इस व्लॉग को भी एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे मैं बैग को वेट कराई थी, उसमें 3 kg एक्स्ट्रा हो चुके हैं, और मुझे मज़ा आया वो 3 kg कम करने, एंड देखना भी है कि कौन कौन सी चीज़ें, ऐसे तो मुझे सारी चीज़ें जरूरत लगती हैं, लेकिन अब उसमें भी निकाल के रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड अभी हेयर भी स्ट्रेट करना है एंड ड्रेस भी निकालना है, सालवी के भी कपड़े निकाल के रखने हैं, उसको भी रेडी करना है एंड डिनर करना है। तो मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, सो टिल देन बाय।